नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे आगरा से, जहां से बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल आपको बता दें कि आगरा में जो खबर सामने आई है कि ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने गया आगरा का एक छात्र, उस पर नस्लीय हिंसा का मामला सामने आया है। नस्लीय हिंसा में 11 बार इस छात्र पर चाकू से हमला किया गया और छात्र पर हमला करने का आरोपी डैनियल नॉरवुड को ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि इस हमले में ये छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया है। आगरा का रहने वाला ये छात्र बताया गया है, जो कि जिंदगी और मौत के बीच अब जंग लड़ रहा है। इस छात्र का नाम शुभम है और उसके परिजनों ने सांसद राजकुमार चाहर से मदद की गुहार लगाई है। आगरा के किरावली इलाके के पैटगली का रहने वाला था ये छात्र शुभम, जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहकर अब पढ़ाई कर रहा है, लेकिन इसी दौरान उस पर नस्लीय हिंसा का वो शिकार हो गया। उस पर कई बार वार किया गया। बताया जा रहा है कि 11 बार चाकू से शुभम पर हमला किया गया है। फिलहाल उसकी हालत बेहद नाजुक है। हालांकि जो आरोपी रहा है मुख्य इस पूरी वारदात के पीछे, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और इसी खबर पर जानकारी के लिए आगरा से हमारे ब्यूरो चीफ ममता भारद्वाज हमारे साथ लाइन पर जुड़ चुकी हैं। ममता, आपसे जानना चाहेंगे कि अब पीड़ित परिवार आखिर क्या मांग कर रहा है। बिल्कुल पल्लवी, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला आगरा के किरावली का है, जहां किरावली में रहने वाले राम निवास थे और उनकी जो छोटे पुत्र थे रोहित गर्ग जो हैं, जो छोटे पुत्र हैं, और उनसे जो शुभम है जो बड़ा पुत्र, वो ऑस्ट्रेलिया गया था सिडनी, और सिडनी में जहां वो पढ़ाई कर रहा था अपनी मैकेनिकल इंजीनियर की। तो ये जब वो अपनी 6 तारीख को वहां से 10 बजे तकरीबन 10 बजे करीब वो कुछ डॉलर निकाल के अपने खर्चे के लिए निकाल के जा रहा था बैंक एटीएम से, तो वहां एक व्यक्ति के द्वारा, जो ऑस्ट्रेलिया का जो व्यक्ति था, बताया जा रहा है कि वो नक्सली था, उसके द्वारा उसके उस पर चेहरे से लेकर उसके पेट पर और चेहरे पर 11 बार लगातार उसको प्रहार किया गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद हालांकि वहां ऑस्ट्रेलिया की जो सिडनी पुलिस है उसने तत्काल ही उसको गिरफ्तार कर लिया है और उसे हिरासत में ले लिया। लेकिन अगर बात करें इनके परिवार की, तो राम निवास जी जो कि इनके पिता हैं शुभम के, तो वो लगातार यहाँ शासन प्रशासन से ये गुहार लगा रहे हैं कि वो विदेशी मंत्रालयों से बात करें, और यहाँ तक कि जो सांसद हैं राजकुमार चाहर, उनसे भी उनने बात की है कि वो विदेशी मंत्रालय से बात करके और ये मेरे हम लोगों को हमारे बेटे तक पहुँचने के लिए उन्होंने वीजा की बात की है। जी जी तो ममता, आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि क्या आपकी पीड़ित परिवार से बात हो पाई है, उनका क्या कुछ कहना है? क्या इससे पहले भी कभी शुभम पर इस तरह की मतलब हमला किया गया है, या इस तरह की कोई कमेंट उस पर किए गए हैं जो नस्लीय और इशारा कर रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं सामने आया है। फिलहाल जो पीड़ित परिवार से जो बात की गई, तो पीड़ित जो शुभम के जो पिता हैं राम निवास जी, उनसे जब बात की गई तो उन्होंने साफ तौर से ये कहा कि पहली बार ही इस तरह की ये घटना हुई है जो कि मेरे बेटे के साथ में, और ये मेरे को कई दिन बाद पता लगी है, जो कि वहाँ कोई रिश्तेदार रहे थे, उनके रिलेटिव रहे थे, उनके द्वारा ये फोन पर पता चली है। तो तब से वो सदमे में है। उनकी माँ का तो खैर बहुत बुरा हाल है, लेकिन फिलहाल वो ये न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि वो अपने बेटे को सुरक्षित सुरक्षा प्रदान की जाए बेटे के लिए, और वहां तक हम लोगों को वहां पहुंचने के लिए एक वीजा की एक बड़ी एक मांग उन्होंने की है कि कहीं ना कहीं हमारे वीजा का इंतजाम किया जाए, जिससे कि हम अपने बेटे तक पहुंच पाए। चलिए ममता, धन्यवाद जानकारी के लिए। दर्शकों को बता दें कि ममता भारद्वाज हमारे साथ जुड़ी थी, जिन्होंने बताया है कि जो पीड़ित परिवार है अब वीजा की मांग कर रहा है ताकि वो ऑस्ट्रेलिया जा सके और अपने बेटे को देख सके। आगरा से ये पीड़ित परिवार अब यही गुहार लगा रहा है कि वो अपने घायल बेटे को एक बार देखना चाहते हैं। जिस तरह का नस्लीय हमला उस पर किया गया है, बताया जा रहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है जहां नस्लीय विवाद का इस तरह से उसने सामना किया, और इस वक्त उसकी हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। जानकारी है कि 11 बार शख्स पर चाकू से हमला किया गया है। छात्र के चेहरे और पेट पर सबसे ज्यादा घाव के निशान है।